तो सू चले पब्लिक, वेलकम बैक टू दी चैनल, हूं रूपेश चावड़ा और आज आपको दिखाने जा रहा हूं मैं सोलांग। मनाली में दिसंबर के क्रिसमस के दिन सोलांग कितना भीड़ है आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो के अंदर आपको मैं सोलांग दिखाने जा रहा हूँ, कौन सी राइड है यहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या ऑप्शन है सोलांग में ऊपर आने के लिए और कैसा, जैसे कि सारी एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपका चालू होगा इसके बाद। अभी आज तो भाई क्या सुबह हुई है भाई, धूप सेकना पड़ रहा है, इतना ठंड था रात को और सुबह भी इतना ठंड है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज द 25th of December, हम हैं यहाँ पे मनाली में। हाय क्या ही ठंडी है भाई, क्या ठंडी है यहाँ पे। ये यह हमारा एकोमोडेशन है, पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे हिमपात करके होटल है, बहुत ही बढ़िया जो देख पा रहे होंगे। मैं आपको रूम टूर कराता हूँ अभी। तो आज का प्लान ऐसे बना है कि आज ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे सोलांग, सोलांग में घूमेंगे, वहाँ से नज़दीक में जो भी लोकेशन सारा कवर करेंगे, सोलांग के अंदर मस्ती करेंगे, कितना बर्फी क्या नहीं है, लेटेस्ट न्यूज़ 2020 December 25th को नृपेश चावड़ा ब्लॉग्स पे आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है। पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन बाद में भी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके देखो, बहुत मज़ा आएगा, आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले। रात को हम जितना अनुमान लगा रहे थे उससे थोड़ा पहले पहुँच गए, 9:30 के आसपास हम लोग पहुँच गए, थैंक्स टू ओम भाई, भगा दिया गाड़ी एकदम सटासट और पहुँच गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो सुबह हुए एकदम मस्त वाली यार, बहुत मज़ा आ गया। ये 3 स्टेट का होटल है, मैं यहाँ पे बालकनी में खड़ा हूँ, बालकनी से भी एक्सेसिबल रूम है, वहाँ पे भी एक्सेसिबल, हर एक रूम के अंदर बालकनी वाला एक्सेस मिलेगा आपको 3 स्टेज। सो डन विद द ब्रेकफास्ट और अभी हम जा रहे हैं सोलांग की ओर, मज़ा आएगा यार आज तो। यहाँ पे इतना ट्रैफिक होने के बावजूद कोई ऐसा नहीं है कि जो पी 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 हॉर्न मार रहा हो, मतलब दिल्ली मुंबई जैसा नहीं हमारे, ठीक है, ऐसा कोई बेतकाजा ऐसे हॉर्न दबा के बैठा है वैसा कोई नहीं है, एकदम आराम से सब अपने लेन पकड़ के चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, ट्रैफिक खुल रहा है, रनिंग ट्रैफिक है, ठीक है, जाम नहीं लगा है, ट्रैफिक चल रहा है, धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आप जब मनाली से रोहतांग जाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक पुलवा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो पुल नीचे की ओर बना हुआ है उस पुल के वजह से ट्रैफिक होता है, क्योंकि यहाँ से पूरा गाड़ी यहाँ से उसको भी जाना है, इधर ये वाला गाड़ियाँ लाइन है उसको भी उधर जाना है, सबको उधर जाना, सबके बारी बारी से, और वहाँ पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी आ जा सकती है, तो दिक्कत ये है। तो अगर आप सोलांग जा रहे हो तो सोलांग के लिए आपको अलग से उसका ड्रेस लगता है, जो आपको कोट रहेगा पूरा का पूरा, ऊपर से नीचे का सिंगल एक लेयर रहता है, ये वाला शॉप है अपना, और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे आप शॉप पे आए तो विशाल भाई से मिलेगा, विशाल भाई हेलो। ड्रेस इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आप सोलांग वैली में जाओगे तो वहाँ पे बर्फ़ भी अच्छी होती है, आप बर्फ़ पे खेलोगे आपके कपड़े भीग जाएंगे, मैले हो जाएंगे, तो इसीलिए ड्रेसेस रिक्वायर्ड रहती है वहाँ पे, और उन ड्रेसेस के साथ फोटोज भी अच्छे आते हैं। अच्छा बढ़िया है। विशाल भाई का नंबर और शॉप का एड्रेस मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो आप रूपेश चावड़ा ब्लॉग की तरफ से आता है तो उसको स्पेशली 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। लोगों इनका ड्रेस है सबसे बढ़िया ग्रुप के अंदर, मेरे ड्रेसिंग मशीन में मैंने जूते लगा लिए, मेरे को जूते चाहिए होंगे स्नो में चलने के लिए, ठीक है। बस तो हो गए सारे रेडी और चलते हैं अभी सोलांग की ओर। अब मुझे पता नहीं चला है क्या था लेकिन मजा बहुत आया, बस बोलिएगा ऑडियो आ जाएगा। अगर दुनिया में कहीं जाना है, हाँ आपका ही है, चलो स्टीयरिंग बेयरिंग सभी। बस यार यहाँ पे पहुँच गए सोलांग पे, सोलांग को नीचे आपको ड्रॉप करेगा गाड़ी वाला पार्किंग में, और पार्किंग से आपको चलते जा सकते हो, आप घोड़ा ले सकते हो, आप गाड़ी में भी जा सकते हो,
गाड़ी का अराउंड किराया लगता है 1000 रुपए लगता है ना जी, जी, और घोड़े का कितना लगता है? घोड़े का 300 रुपए। घोड़े का 300 रुपए लगता है आने जाने का दोनों आ गया? ठीक है, दोनों आ गया। घोड़ा अगर लेते हो नीचे से तो ये सारा गवर्नमेंट वाला पैसा है, ठीक है, वो सब फिक्स करके रखे सब रेट। जैसे कि घोड़े देख रहे हो आप, यहाँ से घोड़ों में भी जा सकता है और ऐसी बाइक भी चलती है यहाँ पे। बाइक का 1000 रुपये चार्ज लेते हैं ये लोग। जहाँ से पार्किंग है, पार्किंग से आपको बिठा के ऐसे ले जाएंगे ऊपर सोलांग के बॉटम तक, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ रहती है वहाँ पे। घोड़ों का रेट बार्गेन हो सकता है, गाड़ी का रेट फिक्स रहता है वैसे यूनियन के हिसाब से। और ऊपर की ओर देख पा रहे हो कि पहाड़ की चोटी, बर्फ से घिरा एकदम पहाड़। यहाँ पे ग्रुप चले जा रहा है पूरा। यहाँ से बाय वॉक अगर आप चलते हो तो अराउंड है कुछ 2 किलोमीटर के आसपास, आराम से है, ठीक है, उतना है, मतलब वार्म अप हो जाएगा। ठंडा मौसम है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगा, चल लोगे आराम से एकदम। साथ साथ है यहाँ पे तो आगे स्नो में सब ठंडे पड़ जाने। किसी को सजेस्ट करोगे पैदल चलना? पैदल नहीं, घोड़े पे आ जाओ भैया, इसमें भी पड़ेगी लेकिन घोड़े से कम पड़ेगी क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है, तो पानी का प्यास भी लग सकता है, खाने का भूख भी लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत दूर जा रहे हैं हम लोग। तो आप टेबल वेबल लगा हुआ है यहाँ पे, नाश्ता भी कर सकते हो आप, सब फैसिलिटी है। घोड़े यहाँ पे रुकते हैं, आगे धूप लगेगा, इसके बाद धूप नहीं लगेगा। यहाँ पे ये घाटी से घिरा इलाका है, यहाँ पे धूप नहीं लगती, यहाँ पे ठंड लगता है। यहाँ पे आप जब धूप में से आओगे यहाँ पे छाँव में, तब आपको टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगेगा। वैसे थोड़ा वहाँ पे अगर चल रहा है 20-22 तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। आगे तो बर्फ है तो आगे और टेम्परेचर गिरना है। यहाँ पे चलता है पार्किंग वाली गाड़ियों का, तो बहुत बड़ा पार्किंग लगता है आगे। इतनी सारी गाड़ी आपको मिल जाएगी, अगर आप ऊपर गए और आपको लगता है कि गाड़ी नहीं मिलेगी तो भाई गाड़ी मिल जाएगी। पैदल गए हो तो चाहिए कि रिटर्न में गाड़ी, तो गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी आपको। घोड़ा भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा यार, दोनों अवेलेबल रहता है यहाँ पे। भैया आप इलाका देख रहे हो, सब लोगों ने कर लिया है स्की, रहता है यहाँ पे स्की करने का, ये वाला बूट सज चुका है। हम भी करने वाले स्की, आपको दिखाएंगे स्की कैसे होता है हमारे, ठीक है। चलो ये जम गया है, ठीक है, चलाना जानते हो क्या? अगर हिंदुस्तान में कहीं जन्नत है वो सिर्फ कश्मीर में है। नहीं सर, मनाली में है। अरे मनाली में भी है और क्या। तो यार हमें तो बहुत ही मजा आ गया यहाँ पे एक्टिविटी में, और पीछे भी एक चल रहा है ट्यूब वाला एक्टिविटी चल रहा है, एक्चुअली ट्यूब में से फिसलाते हैं। यहाँ पे स्की चल रहा है, स्की मेन अट्रैक्शन है यहाँ का अभी। और पब्लिक देख सकते हो आप, कितनी सारी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और पीछे भी पूरा भरा हुआ है सोलांग। सोलांग के अंदर बर्फ है अच्छी वाली, तो लोग आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं एकदम मजे से एकदम। यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके चलना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क है वैसे, क्योंकि यहाँ पे सब ब्लैक आइस हो चुका है वहाँ पे, और उस पर चल के जाना है वैसे। याक से कौन डरता है, याक देखो डर के सब भाग रहे। सोलांग के मज़े ले रहे सब के सब। अच्छा खासा बर्फ़ जमा है अभी, तो अभी इससे ज़्यादा बर्फ़ पड़ सकता है क्योंकि और अभी टाइम जाएगा। वैसे वैसे बर्फ़ पिरेगा यहाँ पे, ठंड में ज़्यादा मज़ा आता है वैसे। जिप लाइन का यहाँ पे पीछे पॉइंट है, जिप लाइन से लोग जाते हैं एकदम बड़े वाला रास्ते से दूर। यहाँ पे जिप लाइन के पड़ोस में यहाँ पे छोटा सा टपरी है, यहाँ पे आग जला हुआ है, और यहाँ पे एक ग्रुप आग सेक रहा है। वैसे पूछते हैं दोस्तों कैसा लगा आपको सोलांग, अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा मतलब हाथ पैर सुनोगे, आवाज़ भी नहीं निकल रही, ठीक है, ऐसा लगा है। ये जिप लाइन जा रहा है, देखो ये पंजी मार रहा है, देखो यहाँ पे एक कॉर्ड लगा के इसको उछाल रहे। सही चल रहा है यार, सब
सबका हो गया एक एक टास्क, ठीक है कंप्लीट मस्त से। अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ जहाँ पे गाड़ी घोड़े लगे थे और वहाँ पे जाके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे छोटा सा पुल बना हुआ है वैसे। इस वीडियो के अंदर मैंने जहाँ पे रूम स्टे लिया है वो भी मैंने आपको रूम टूर कराऊंगा, पूरा का पूरा दिखेगा उसको। अगर आप भी करना चाहते हो वहाँ पे अकोमोडेशन तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा सब कुछ, ठीक है। वीडियो के एंड के अंदर मुझे बताने यार वीडियो कैसा लगा, क्या नहीं कुछ नहीं जो भी हो मुझे कॉमेंट करके बताओ। एकदम भाई वीडियो कर ले रहे वीडियो भाई, आज रात को बॉनफायर हो रहा है और 1750 का दाम, 1750 का वैल्यू जितना भी होगा भाई आरएस का, वो हम लोग का रुपेश भाई हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग जब भी देखिएगा वो भी रुपेश भाई ही प्रोवाइड करेंगे। आप लोग अगर ऐसा मस्ती दीजिएगा तभी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो सोलांग से नीचे उतर रहे हैं हम और यहाँ से दिख रहा है मस्त एकदम गोल्डन वाला शेड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये वाली डेस्टिनेशन ख़त्म करके हम जा रहे हैं आज के दिन की दूसरी मेन डेस्टिनेशन पर। हम यहाँ पे दौड़ रहे हैं, बताएगा हमारे कैमरे का स्टेबिलाइजेशन कैसा है। DSLR लेने का ज़रूरत है कि ये इनफ है। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के अंदर, बहुत मस्ती मजाक किया, बहुत ही मज़ा आज के दिन हमें सोलांग के अंदर। अगर आप भी आओ सोलांग में तो हमें याद करना है कि रुपेश वाला ब्लॉग देख के आया, थोड़ा सा ना जगह भी देख लिए, ज़िपलाइन भी देखा, हर एक चीज़ मैंने दिखाने का ट्राई किया है। गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है, अगर आओ तो गाड़ी का भी आप आनंद ले सकते हो, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड करते इस वीडियो को आज। सौरभ कैसा लग रहा है रुपेश वाला ब्लॉग्स पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा कि यू स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। ओके, मुझे गुजराती समझ नहीं आती है लेकिन मैं तेरे सारे ब्लॉग्स देखता हूँ, लव्ड इट। ओके, बट इवन आई स्टार्टेड इन हिंदी आल्सो, लाइक पास्ट 7 to 6 वीडियोस आर इन हिंदी। तो कैसा लगा वो वाला बिहार सीरीज ना? यस, नाइस नाइस, बढ़िया था वो।